यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी फूड किचन। आज हम अपनी किचन में बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। ये बेसन की बर्फ़ी हम बिल्कुल बाज़ार में जैसा कि हलवाई बनाते हैं ठीक उसी तरह बनाएंगे। हमारी बर्फ़ी उसी तरह टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए हम बेसन की बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। गैस के ऊपर पैन रखेंगे और उसमें चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। हमें एक तार की चाशनी बन जाने तक इसे पकाना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसमें हम एक चम्मच के करीब दूध डालेंगे, क्योंकि हमारी चीनी थोड़ी गंदी है। इसकी सारी गंदगी इस दूध के डालने से ऊपर आ जाएगी और इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं गंदगी ऊपर आ गई है, इसे हम निकाल लेंगे। अगर आपकी चीनी साफ़ है तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं गंदगी सारी निकल आई है, हमारी चाशनी क्लियर हो चुकी है। इसमें हम फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें एक तार की चाशनी हो जाने तक पकाना है। चम्मच में हम चाशनी लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे उंगली और अंगूठे की सहायता से चेक करेंगे, जैसा कि मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरह हम उंगली और अंगूठे की सहायता से इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं तार बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी बन चुकी है। इसे हम उतार लेंगे और गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम घी डालेंगे, और घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। मैंने ये मोटा बेसन लिया है जो स्पेशली बर्फ़ी के लिए ही आता है। इससे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बाजार की तरह दानेदार बनेगी। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है तो आप नॉर्मल बेसन भी ले सकते हो और उसमें थोड़ी सूजी डाल दीजिए, तो भी आपकी बर्फ़ी दानेदार बनेगी। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली पके। अभी तो एक बार हमारा बेसन गाढ़ा हुआ है, जैसे जैसे सीखेगा वैसे वैसे ये पतला हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर पहले से चेंज हो चुका है, लेकिन इसे हमें अभी और सेकना है। हमारा बेसन सिकने लगा है, बेसन पूरी तरह से सिक चुका है। अब हम इसमें खोया डालेंगे, जिसे आप मावा भी कह सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए इसके ऊपर जो झाग आएंगे उनके झाग के ख़त्म हो जाने तक इसको चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं खोया डालने के बाद किस तरह इसके ऊपर झाग आ चुके हैं, क्योंकि खोए में मॉइस्चर होता है इसीलिए ये झाग आ जाते हैं। झाग खत्म हो चुके हैं, इसके बाद भी हमें लो फ्लेम पर 1 मिनट तक और पकाना है, लेकिन हमें चलाते रहना है। एक मिनट तक और पकाएंगे तो खोआ भी अच्छे से सिक जाएगा। बेसन सिक चुका है, अब हम इसके अंदर चाशनी डालेंगे। चाशनी डालने से पहले हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। चाशनी डाल देंगे, जिस टाइम पर हम इसके अंदर चाशनी डालेंगे उस टाइम पर चाशनी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए। चाशनी डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, या फिर आप ये कह सकते हैं जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। ये मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है,
अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और पहले से ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर इसको डाल देंगे। और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। बेसन की बर्फी घर पे भी हम बहुत ही अच्छे और टेस्टी बना सकते हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ता डालेंगे। बादाम डालने के बाद पिस्ता डालेंगे। आप चाहें तो ओनली बादाम भी डाल सकते हैं। इन्हें हम कटोरी की सहायता से अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए साइड में जमने के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं बर्फी कितनी अच्छे से सेट होकर तैयार हुई है। अब दूसरी तरफ से भी कट लगा लेंगे। बेसन की बर्फी अच्छे से कट कर तैयार है, इसे हम ट्रे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ये बेसन की बर्फी सेट होकर तैयार हुई है। इसी तरह हम अपनी सारी बर्फी निकाल लेंगे। सभी बर्फी निकल चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे क्योंकि ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी ये बिल्कुल हलवाई की तरह टेस्टी और सॉफ्ट बेसन की बर्फी बनकर तैयार है। तो आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।